अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जी बेटा, यूनिट नंबर 4 हमारा चल रहा है और एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड, एक्सप्लेन मेटालिक बॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये बेटा हमारा आज का टॉपिक है, तो क्विकली इसको देखेंगे हम शॉर्ट टाइम में। ये देखें बेटा, मेटालिक बॉन्ड जो है सिंपली बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। इसे बेटा हम सिंपली कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। अब एक्सप्लेनेशन है ये, मैं 5-6 पॉइंट आपको लिखवाऊंगा, बड़े आसानी से बेटा आप इसको इंशाल्लाह गेट कर लेंगे। देखें, मेटल एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है उसे हम मेटालिक बॉन्ड कह रहे हैं। अब ये मेटालिक बॉन्ड के बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं, लेकिन यहाँ पर जो थ्योरी है उसे इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी कहते हैं, जो हमारे सिलेबस में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी इसमें है, बैंड थ्योरी भी है, ठीक है, इसे वेस्पर वीबीटी थ्योरी भी एक्सप्लेन करती है। खैर वो हायर लेवल की बात है, अभी हम आप बात करेंगे सिंपल जो हमारे सिलेबस में है, वो है कि यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी जो है वो इसको कैसे एक्सप्लेन करती है, ठीक है, इसमें देखते हैं। नंबर वन, पहली बात बेटा, मेटल एटम्स हैव लार्ज एटॉमिक साइज, एक बात बेटा, मेटल के जो एटम्स हैं उनका साइज बहुत लार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटल एटम्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटल एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आयोनाइजेशन क्या होती है बेटा, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा ये दो बातें, इसकी वजह से क्या होता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के, वो लूजली बाउंड हो जाते हैं, ठीक है ना। और लूजली बाउंड होने की वजह से वो क्या होते हैं बेटा, किसी एक एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसके न्यूक्लियस के साथ नहीं रहता, बल्कि वो क्या करता है, वो फ्रीली। तो इसकी वजह से वो क्या होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन बिटवीन मेटल एटम्स। और ये देखें बेटा, नीचे जो मैंने डायग्राम बनाई है उसमें कुछ ऐसी ही चीज़ आपको नज़र आ रही है। ये रेड कलर में देखें इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो फ्रीली मूव कर रहे हैं, और ये ब्लू कलर में जो मैंने बनाए हुए हैं पॉजिटिव साइन के साथ, ये बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस हैं। तो कोई भी एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन को बाउंड नहीं करता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इजीली आसानी से घूम रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म, ये बनाते हैं बेटा, फॉर्म अ पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच पॉजिटिव न्यूक्लियाई आर सबमर्ज्ड। जी बेटा, सबमर्ज्ड का मतलब डूबे हुए, तो मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे ये इसके अंदर ये पूल बना हुआ है पानी का, और इसके अंदर जो है वो आपके जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो उसमें डूबे हुए हैं, वो ऐसे तैर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे पानी के अंदर कोई चीज़ हम बॉल वगैरह रख दें और वो उसमें अप एंड डाउन मूवमेंट करती रहें, तो इस तरह से इस कंसेप्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बेटा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। जी बेटा, इसे हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये बेटा सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है कि मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है। हमने कहा कि मेटल एटम जो है वो लार्ज होते हैं, उनकी आयन एनर्जी कम होती है, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, फ्रीली वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक पूल बना देते हैं और उस पूल के अंदर पॉजिटिव न्यूक्लियाई जो है वो तैर रहे होते हैं, डूबे हुए होते हैं, और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है उससे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। ये बेटा छोटी सी बात, सिंपल सी, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ समझ आएगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।